शहर में सभी कला प्रेमियों के लिए एक बेहद ही अच्छी खबर है। जो लोग चित्रकला में रुचि रखते हैं, उनके लिए दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र की ओर से कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस संदर्भ में उपनिरीक्षक गौरी मराठे ने अधिक जानकारी साझा की। दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र की ओर से कला प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें वहां मौजूद चित्रों की प्रदर्शनी और बिक्री होगी। ऐसी जानकारी दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र की उप निरीक्षक गौरी मराठे ने दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस प्रदर्शनी में कलाकारों द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स लगाई गई है, जिसका सभी कला प्रेमियों द्वारा लाभ लेना चाहिए, ऐसा उन्होंने आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि बहुत बार लोगों को पता ही नहीं चलता कि जिस चित्र को वो देख रहे हैं, उसे बनाने के पीछे चित्रकार की क्या मंशा है, जिस बारे में पूरी जानकारी इस प्रदर्शनी में दी जाएगी। दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्रातर्फे इथे आम्ही या सर्व चित्रांचं प्रदर्शन आणि विक्री असं दोन्ही ठेवलेलं आहे। ही सगळी चित्र खूप मोठ्या आकर्षक सूटसह कलारसिकांसाठी उपलब्ध आहेत। विविध शैली आहेत त्याच्यामध्ये, वारली पेंटिंग आहेत, ॲबस्ट्रॅक्ट पेंटिंग आहेत। यातली काही खूप चांगली पेंटिंग्स जी आहेत ती सिंहस्थ उज्जैनच्या वेळेला एक मोठा पेंटिंगचा वर्कशॉप झाला होता आणि तेव्हा अख्ख्या भारतातनं आलेल्या कलाकारांनी बनवलेली पेंटिंग आहेत। या पेंटिंगबद्दल माहिती हवी असेल किंवा या पेंटिंगबद्दल कुणी बनवली, कुठल्या कलाकारांनी बनवलं, काय विचारांनी बनवलं, तर तेव्हा आम्ही पब्लिश केलेलं तत्वमसी नावाचं एक पुस्तकही तुम्हाला बघायला उपलब्ध आहे। म्हणजे तुम्ही जे पेंटिंग तुम्हाला आवडतं आहे ते खरंच कुणी बनवलं, काय विचारांनी बनवलं, हे बरेचदा कलारसिकांपर्यंत पोहोचत नाही, तर तेही पोहोचवण्याची व्यवस्था यावेळेला दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्रातर्फे केली आहे। मी सगळ्यांना आवाहन करते की जास्तीत जास्त लोकांनी इकडे यावं आणि कोविड नियमांचं अर्थातच पालन करून पण या चित्र प्रदर्शनाचा आस्वाद घ्यावा। धन्यवाद। इस वक्त उन्होंने बताया कि सभी कोरोना नियमों का पालन इस प्रदर्शनी में किया जा रहा है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ तिशा हटवार, बीसीएन न्यूज़, नागपुर।